Hello everyone, this is Supriya Dhiman and I welcome you to Chief Chef Recipes. आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ऑथेंटिक पनीर मसाला, जिसे हम बिल्कुल सिंपल ट्रेडिशनल विलेज कुकिंग स्टाइल से बनाएंगे। इस रेसिपी को मैंने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के हीट कीजिए। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, जीरा, सौंफ। जैसे ही जीरा सौंफ भुन जाए, हम इसमें डालेंगे अनियन, ये बिल्कुल रफली चॉप किए हुए प्याज हैं। प्याज को अच्छे से भूनेंगे, साथ ही मैं इसमें अदरक डालेंगे और सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मिक्स इट वेल। हमें प्याज को ट्रांसलूसेंट करना है और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, जो बिल्कुल रफली चॉप किए हुए हैं। गिव इट अ नाइस मिक्स। टमाटर को हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली। स्टर वेल। आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। केयरफुली आप मसाले को एक प्लेट में निकाल लीजिए और निकालने के बाद हम इसे एक कुंडी में, या फिर अगर आपके पास सिलवट्टा है तो आप सिलवट्टे में भी मसाले को पीस सकते हैं। जो मसाला हम कुंडी में या फिर सिलवट्टे पे पीसते हैं, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है मिक्सी में पिसे हुए मसाले से। सो इस रेसिपी में हमें इसे इसी तरह से पीसना है। इसको पीसने में ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लगेंगे। आप जितना बारीकी से पीस सकते हैं, आप उतना बारीकी से पीसें। आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो काफ़ी अच्छे से पिस चुका है और ये थोड़ा थोड़ा दरदरा ही रहेगा। हमें बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। अब मैंने एक कढ़ाई हीट की है, जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालिए। फिर इस मसाले को हम उसमें 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, साथ में गरम मसाला, और इसे अच्छे से मिला देंगे। इसी के साथ हम बिल्कुल थोड़ी से शुगर यानी कि चीनी इसमें डालेंगे, जो बाकी सारे फ्लेवर्स को बैलेंस कर देगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ होममेड पनीर। आप जो नॉर्मल मार्केट में पनीर मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे मसाले से हम बहुत अच्छी तरह से कोट कर देंगे। जैसे ही आपको लगे कि पनीर अच्छे से कोट हो गया है, हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप थिक रखना चाहते हैं या फिर पतली रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन।
अब हम इसकी ग्रेवी को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉयल आने तक पकाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें क्रीम ऐड नहीं की है बिकॉज़ इसकी ग्रेवी वैसे ही बहुत डिलीशियस होगी। चलिए अब सर्व करते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, चीप शेफ़ रेसिपीज़ पे। इसी के साथ आपको अगर हमारी रेसिपी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।